हाय फ्रेंड्स, मेरी पहली मटर पनीर रेसिपी को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी वजह से ही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये दूसरी मटर पनीर रेसिपी, जो बिल्कुल शादियों में जिस तरीके का मटर पनीर बनता है उस तरीके की रेसिपी है। बहुत ही लाजवाब बनती है और सिंपल ईजी तरीका है इसको बनाने का, जो आज मैं आपके साथ करूँगी शेयर। सोनिया बाटन चैनल, और मैं आपके लिए लेकर आई हूं आज ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसको काट कर पहले मैं तैयार कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का शेप और साइज़ काट सकते हैं, लेकिन मेरे को हमेशा थोड़े थिक साइज़ के पीसेस पसंद हैं पनीर की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो फ्राई करेंगे पनीर को, तो इसलिए थोड़े थिक साइज़ के पीसेस ही होने चाहिए, वरना पनीर जो है टूटने लगता है। तो पनीर हमने काट के तैयार कर लिया है, साथ में यहाँ पर मुट्ठी भर काजू और बादाम जो है वो मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिए। करीब करीब 15 काजू 15 बादाम आप ले लें अप्रॉक्सीमेटली, और उसको गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे। जब तक हमारे काजू बादाम सॉफ्ट होते हैं तब तक 1-1.5 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करें और उसमें ये सिंपल पनीर के पीसेस को कर लेना है आपको फ्राई। तो बस इस तरीके से आप लगातार इसको स्टर फ्राई करें ताकि सारी साइड इसकी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, कुछ इस तरीके से। इसको निकाल कर अब हम रख लेंगे। जो काजू बादाम हमारे सॉफ्ट हो गए थे उसको डाल देते हैं एक ब्लेंडर जार में। उसके साथ इसमें डाल रही हूँ मैं ये 2 होल रेड चिली, साबुत लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून के करीब ये मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज, और साथ में इसमें लेना है आपको 3 मीडियम साइज़ के अच्छे लाल पके हुए टमाटर और उसका पेस्ट बना लेना है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है, काजू बादाम और लाल मिर्च जो साबुत है उसके साथ। तो ये एक हमारे पास पेस्ट तैयार हो गया। हल्का आप चाहें तो इस पर पानी डाल सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूजन करने के लिए। तो ये पेस्ट जो रेडी हो गया इसको रखते हैं साइड में। पनीर फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करें, जिसमें डालें 1-2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज। सब चीज़ों को स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज जो है हमारी सुनहरी नहीं हो जाती, अच्छी लाइट ब्राउन सी आपको प्याज कर लेनी है, जिससे रंग बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। इसके अंदर आप डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा भर के आप इसमें इस्तेमाल करें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, और उसको भून लें 1-2 मिनट तक। और उसके बाद जो हमने काजू बादाम टमाटर और लाल मिर्च को पीस के तैयार किया था वो भी डाल देते हैं इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। तो जो शादियों में अक्सर मटर पनीर बनता है उसमें एक अलग तरीके की रिचनेस होती है। जो पहले मैंने मटर पनीर रेसिपी शेयर करी है उसमें कोई काजू बादाम का इस्तेमाल नहीं है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा शाही स्टाइल मटर पनीर है। नमक डाल दिया है इसमें, साथ में डाला है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और बहुत ही थोड़ी सी आधा चम्मच से भी कम हल्दी। आप देख सकते होंगे कि कितना थिक नज़र आ रहा है ये जो ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है, मसाला तैयार हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने काजू डाला है बादाम डाला है, उसकी वजह से थिकनेस आती है ग्रेवी में और रिच तो हो ही जाती है ग्रेवी काजू और बादाम से, और साथ में खरबूजे के बीज भी हैं इसमें। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप मटर। मैंने यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करा है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब इसके अंदर डालेंगे हम 3/4 कप के करीब पानी, जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी को लूज़ करने के लिए, थोड़ा पतला करने के लिए इसको, और साथ में मटर भी हमें अभी पकाने हैं। तो मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरीके से। अब ढक्कन ढक के 5-7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट हो गए इसको पकते पकते, मटर भी हमारे सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने फ्रोज़न मटर का जैसे पहले बताया इस्तेमाल करा है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे ये 1-1.5 चम्मच कसूरी मेथी
और जो हमने पनीर फ्राई करके तैयार करा था वो। और अब इसको हम पनीर के साथ कम्प्लीटली पकाएंगे, जब तक कि बिल्कुल मसाला पक के इसमें से तेल जो है वो अलग नहीं होने लग जाता और इसका रंग जो आपको अभी बिल्कुल येलोइश सा नज़र आ रहा है, जब तेल अलग होके सेटल होता है ऊपर थोड़ा सा, तो उसमें रंग में बहुत फ़र्क आ जाता है ग्रेवी के। तो धीमी आंच पे इसको 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे हम। तो अब हमारे जो मटर है कम्प्लीटली पक गए हैं, पनीर भी बिल्कुल एक सार हो गया हमारी ग्रेवी के, मसाले पककर ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम धीमी आंच पे। तो आप देख सकते हैं 3-4 मिनट इसको मैंने पकाया है, इसमें से तेल बिल्कुल अलग होने लग गया है और ग्रेवी का रंग भी बिल्कुल चेंज हो गया है, ऑरेंज रेड सा इसमें कलर आ गया है। अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसको हम ढक्कन ढक के 3-4 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक कि बिल्कुल इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए कितना रंग निखर कर आ जाता है ग्रेवी का। इस टाइम पे आप चाहें तो ये खड़े मसाले जो दालचीनी और तेज़पत्ता है वो हटा सकते हैं, और देख सकते हैं आप कि कितना लाजवाब ये हमारा मटर पनीर बनकर हो चुका है तैयार। एकदम क्रीमी ऑरेंज रेड कलर की ग्रेवी, बहुत ही रिच और टेस्ट में इतनी लाजवाब, और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है इसका, जो आप आसानी से घर पर अपने बना सकते हैं। जो चीज़ें घर पे हमारी अवेलेबल होती हैं बिल्कुल उसी से ही, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बोलें या आप शादियों में सर्व होने वाला मटर पनीर बोलें, बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्मा गर्म पूरियों के साथ खाएं इसे, पराठे के या इस तरीके से घी लगी रोटियों के साथ खाएं, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ही सिंपल इजी सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर से कीजिए और बताइए मुझे लिख कर कि किस तरीके से बनकर आई आपकी ये मटर पनीर की रेसिपी। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, लव्ड वंस और रिलेटिव्स के साथ, और साथ में अगर आप इसे बनाते हैं तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।